नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं, हम रेगुलरली आपको बता रहे हैं वाइंडिंग डायग्राम प्लस कनेक्शन प्लस डाटा। आज हम बताएंगे फ्रीज का जो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है, उसका जो मोटर होता है, नो स्लॉट का जो मोटर होता है उसका कंप्रेसर का, उसका वाइंडिंग डायग्राम प्लस में कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो ये नो स्लॉट्स का है और नो स्लॉट्स इसके रिवाइंड किए जाते हैं, उसमें कनेक्शन किए जाते हैं और फिर तीन तार बाहर निकाले जाते हैं, तो वो आप देखिए, और नो ही क्वाइल इसके अंदर इंस्टॉल की जाती है। तो वीडियो को बहुत ध्यान तक देखना है, ध्यान से देखें, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है और इसमें आपको बताते हैं, तो मैं आपको कलर वाइज समझाऊंगा अलग अलग। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये जो मोटर होती है ये डीसी मोटर होती है, एक पीसीबी बोर्ड के थ्रू इसमें करंट दिया जाता है, ठीक है, तब ये चलती है। इसमें थ्री फेज दिया जाता है, ठीक है, और पीसीबी बोर्ड के थ्रू दिया जाता है तब ये मोटर काम करती है, डीसी पे वर्क करती है, इसमें डीसी करंट होता है। बाकी जो डिटेल है वाइंडिंग वीडियो में हम बताएंगे इसकी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें स्लॉट्स जो है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्लॉट्स का है। यहां पर मैं लिख देता हूं, 9 स्लॉट्स हैं और इसका जो इसमें जो क्वाइल डलेगी वो 9 ही डलेगी, ठीक है। तो इसमें जो क्वाइल डाली जाती हैं, आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, जो ये लिपटे हुई तारे जो बन रही हैं, इस तरह से डाली जाती हैं और इसमें अंदर की तरफ लपेटी जाती हैं और दो दो तार हर क्वाइल से निकलते हैं, एक इनर तार एक आउटर तार। तो देखिए, इनर तार और आउटर तार, जहां से हम तार लपेटना शुरू करते हैं वो पहला स्टार्ट तार होता है, उसको इनर तार बोलते हैं, जहां पे खत्म करते हैं वो आउटर तार होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहां से तार लपेटना शुरू किया और यहां पर खत्म कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया इसका इनर तार, ये वाला, और जो यहां से अंदर की तरफ है जहां पे हमने खत्म किया था वो इसका आउटर हो गया, ठीक है। तो ये दो तार हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इनर पे मैंने आई लिख दिया है और आउटर पे मैंने ओ लिख दिया है, तो ये दो तारे हो गई हैं एक क्वाइल की, और ये अंदर इस तरह से इसमें क्वाइल है, ठीक है। तो सभी के अंदर इसी तरह से होती है, तो मैं जल्दी से इसमें दो दो तारे बना देता हूं।
तो देखिए दोस्तों, इस पे मैंने लिख दिए हैं आउटर इनर 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 आउटर और इनर, ये तार इस तरह पहले ही इसमें बना हुआ था, इसलिए मैंने इसी के ऊपर इधर मोड़ दिया है। ठीक है, तो 9 क्वाइल है और टोटल 18 तारे हैं, और इसके टोटल 18 का हमें 3 बनाना है कनेक्शन में। तो क्वाइल ऐसे लिपटी हुई है, यहां से ऐसे घूमते हुए इधर जा रही है, यहां से शुरू, यहां पे खत्म, ये स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट या इनर तार या आउटर तार, सभी क्वाइल सेम है, कोई वो नहीं है। अब इसके कनेक्शन आप देख लीजिए, ये टोटल 9 क्वाइल है और टोटल हमें 3 ग्रुप इसके बनाने हैं, 3 ग्रुप हमें इसके बनाने हैं। तो सबसे पहले ये पहली क्वाइल है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे है, ठीक है, 9 तक हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं सबसे पहले, और इसमें करते क्या हैं, पहले तो हम एक से सिंगल फेस मोटर में हम 1 से 3 कनेक्शन करते थे, जैसे इनर इनर में जोड़ते हैं, आउटर आउटर में जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसे करने हैं, इनर आउटर के साथ, आउटर इनर के साथ ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो देखिए पहली क्वाइल का आप एक तार छोड़ दीजिए, एक तार आप छोड़ दीजिए, इनर तार को छोड़ दीजिए, इसको इनर को आप A1 बोल सकते हो, A1 पॉइंट आपका ये बन गया है। अब इसके आउटर तार को आपको पकड़ना है, और आपको 2 क्वाइल बीच में छोड़ने हैं, इस क्वाइल के बाद 2 क्वाइल, एक तो ये वाला छोड़ दीजिए, एक ये वाला छोड़ दीजिए, अगले के ये आउटर है ये इनर के साथ जोड़ देना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इस साइड भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने A1 बना दिया है इनर तार को, और आउटर तार को 2 छोड़ के, 2 क्वाइल छोड़ के अगले वाले क्वाइल के इनर से जोड़ दिया है। आउटर तार अब बचता है, अब आउटर तार 2 छोड़ के अगले के इनर से जुड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा। तो यहां पे 3 क्वाइल के कनेक्शन हो गए हैं, 1 नंबर, फिर 2, 3 छोड़ के, फिर 4 नंबर, फिर 5, 6 छोड़ के 7 नंबर। ठीक है, इन तीनों के कनेक्शन बन गए हैं। अब जो हमने तीसरा वाला क्वाइल जोड़ा था, इसका आउटर पॉइंट बच जाता है, इसको आप A2 बोल सकते हो, ये A1 हो गया फर्स्ट, ये A2 हो गया आखिरी का। ठीक है, अंतिम तार। इसके बाद ऐसे ही हमने पहली क्वाइल का किया था, अब दूसरी वाली का करते हैं, इससे अगली वाली का। तो इसका भी आपको इनर तार जो है ये वाला, इसको आप B1 बना लीजिए, ये B1 पॉइंट हो गया इनर, और आउटर तार है वो 2 छोड़ के अगली क्वाइल के आउटर से जोड़ दीजिए, सेम टू सेम जैसे अभी हमने जोड़ा था। आउटर तार इनर से जोड़ना है, ठीक है, आउटर से नहीं जोड़ना है, इसमें ये 1 से 3 कनेक्शन नहीं होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए।
इनर आउटर से जुड़ेगा और आउटर इनर से जुड़ेगा, कैसे भी उल्टे सीधे करके जोड़ सकते हो, पर सेम टू सेम वही नहीं जोड़ना है। ठीक है, इनर को हमने B1 बनाया, आउटर को दो छोड़ के, दो कॉइल छोड़ के अगले के इनर से जोड़ दिया। अब जो अगला आउटर बचा है फिर दो छोड़ के इनर से जोड़ना है। हमको तीन ग्रुप टोटल बनाने हैं। ठीक है, अब ये बचा हुआ जो तार है, आउटर तार तीसरी वाली कॉइल का, इसको B2, ये B2 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एक A2 पॉइंट बचता है, एक B2 पॉइंट बचता है लास्ट में, और जहां शुरू का है B1 और यहां पे A2 B2। ठीक है, अब यहाँ पे दो ग्रुप हमारे बन चुके हैं, अंतिम लास्ट का ग्रुप भी हम बना लेते हैं, इसकी वाइंडिंग वीडियो भी लेके आएंगे, उसमें आपको डेटा वेटा सारी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर अगली क्वाइल पे हम बढ़ते हैं और बिल्कुल इसी तरह जो इनर तार है उसको C1 बना लेते हैं, C1। ठीक है, ये A1 था पहले, फिर B1 था, अब C1 हम बनाते हैं और आउटर तार को पकड़ते हैं और आउटर से जोड़ देते हैं दो छोड़ के, सेम टू सेम तरीके से दो क्वाइल बीच में स्कीप करने हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसको आप तीन पोल भी बोल सकते हो, तीन पोल की मोटर, क्योंकि यहां पे तीन ग्रुप हमने बना दिए हैं। ठीक है, आउटर इनर से जोड़ना है, आउटर आउटर से मत जोड़ देना। ठीक है, तो यहां पे फिर आउटर बचता है इस कॉइल का जिसमें जुड़ा है, अब आउटर इनर से जोड़ देना है दो छोड़ के, इसलिए मैंने कलर थोड़े अलग लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आउटर इनर से यहां पे जोड़ दीजिए इस तरह से। ठीक है, इनर छोड़ा था, आउटर इनर से जोड़ा, फिर आउटर इनर से जोड़ा और आउटर फिर बच जाता है, और ये जो आउटर बचा है यहाँ पे C1 से स्टार्ट किया था, इसको आप C2 बोलिए। तो यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 एंड C2, ये टोटल 6 तार आ जाते हैं। अब आपको इसका स्टार कनेक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कनेक्शन इसका होगा स्टार। ठीक है, स्टार कनेक्शन होगा। तो स्टार कनेक्शन में आपको क्या करना है, जो आपके A2 B2 एंड C2 बचे हैं तीनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं यहां पे फुटे की मदद से यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। A2 है, B2 है और ये, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। और ये भी इसमें कनेक्ट हो गया। ठीक है, A2 B2 C2 तीनों तारे आपस में जुड़ गई हैं, लास्ट की बची हुई, तीनों सेट की एक एक लास्ट की बची हुई तारे आपस में जुड़ गई हैं, और ये तार जो है C1 B1 A1 ये PCB मदरबोर्ड में जाएगी, जो इसका PCB से कनेक्शन होता है मोटर का, उसमें ये जाएगी। तो वीडियो दोस्तों काफी लंबी हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बाकी का इसका डेटा हम वाइंडिंग वाला पार्ट जो बनाएंगे उसमें बता देंगे। तो इसका ये वाइंडिंग डायग्राम है और कनेक्शन डायग्राम है। तो एक कंप्रेसर है 9 स्लॉट्स का, जिसके अंदर 9 क्वाइल डाली जाती हैं फ्रीज का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।